हेलो बच्चों, अमरीश कुमार क्लासेज में आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास टेंथ का 2023 का हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ, जो आज हुआ है 16 फरवरी 2023 में। तो देखिए आपको इसमें क्या क्या आंसर देने थे और क्या क्या इसमें प्रश्न दिए हुए थे, आप अपने अपने आंसर भी मिला लीजिएगा और प्रश्न भी देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या था, इसमें जो आपका फर्स्ट नंबर पर था, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक पूछा था तो कौन है, प्रेमचंद जी हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार पूछा था, भगवत चरण वर्मा जी हैं। नीड का निर्माण किस विद्या की रचना है पूछा था, आत्मकथा है इसकी। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा था चेकअप एक इंटरव्यू के लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं, लेखक कौन है, राजेंद्र यादव जी हैं। धूर स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। रीतिकाल की रचना है रामचंद्रिका है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 है। लोकनायक के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंजी है। बहुरी अकेला के रचनाकार है अशोक वाजपेयी जी हैं। रीतिकाल की समाविधि में माना जाता है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास है। जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वह अलंकार होता है, यहां पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार आंसर है इसका। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती है, 24 मात्राएं होती है। 14 में है अनुग्रह, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है इसमें, अनु है। 15 में है आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, आई प्रत्यय शब्द जोड़कर लिखाई बना है। पंचवटी में कौन सा समास है, दिग्गु समास है। सूरज का तत्सम रूप है, सूरज का जो तत्सम रूप है संस्कृत वर्ड है सूरज का, दिनकर है। स्वागतम का संधि विच्छेद है सुजमा आगतम है। फलात की शब्द की विभक्ति है एवं वचन है, दो फलात है, फलात पांचवी विभक्ति का है और एक वचन है। हसाती शब्द का पुरुष एवं वचन है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ये तो थे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। अब जो है 21वें नंबर पर आए, 21वें पर था गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो 3 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था, 2 नंबर का था और इसमें 3×2 बराबर कितने नंबर थे, 6 नंबर थे। तो इसमें जो गद्यांश दिया था पहले क्या लिखना था, इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना था और इसमें दूसरे नंबर पर देना था गद्यांश के रेखाचित्र अंश की व्याख्या देनी थी और तीसरे नंबर पर बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था यह देना था। तो जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 से था भारतीय संस्कृति था, इसके लेखक का नाम है राजेंद्र प्रसाद जी है और इसका जो खै में ऑप्शन में दे रखा था, खै ऑप्शन में दे रखा था मैं ब्राह्मणी हूँ मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, ये कौन से चैप्टर से था, ये ममता नामक चैप्टर से था, इसके लेखक कौन से थे, जयशंकर प्रसाद जी थे। इन दो में से आपको क्या करना था, एक करना था और एक के 6 नंबर आपके पक्के मिलते और आपको 22 नंबर पर क्या दे रखा, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्न देने थे। तो 22 नंबर पर आपको क्या दे रखा था, सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, एक ये पद्यांश दे रखा था और एक पद्यांश कौन सा दे रखा था, ये दे रखा था किलकत काना गुटू रोते आवत मणि में कनर नंद के आगन, ये कौन सा दे रखा था, सुरदास जी का दे रखा था, 5 चैप्टर से दे रखा था। और अब जा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 23 पे देखिएगा, 23 पे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, 23 पे थे निम्नलिखित संस्कृत के गतावंतर में से एक अवतरण का संदर्भ सहित आपको अनुवाद देना था, ये कितने नंबर का था आपका, 5 नंबर का था, 2 नंबर का इसका संदर्भ था और 3 नंबर का इसका अनुवाद था। तो देखिए जो पहले वाला पैराग्राफ है, पहले वाला पैराग्राफ चैप्टर नंबर 4 से है और दूसरे नंबर का पैराग्राफ चैप्टर नंबर 1 से है वाराणसी नामक चैप्टर से। और निम्नलिखित के 24 नंबर पर था निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना था, इसमें भी संदर्भ के 2 नंबर और 3 नंबर अनुवाद के थे। तो जो चैप्टर नंबर 3 का है वो पहले वाला है उत्तर यत समुद्रस्य, ये चैप्टर नंबर 3 का है वीर वीरेन पूज्यते, और जो सेकंड वाला है माता गुरुवार भूमेखात, ये कौन सा है, जीवन सूत्रायणी से है, चैप्टर नंबर 9 से। ये जितने भी पद्यांश और गद्यांश दिए हुए थे मैंने आपको कहा था कि पहले 3 चैप्टर के आप भलीभांति कर लीजिएगा, जिसने पहले 3 चैप्टर के कर लिए हैं वो नहीं छोड़े होंगे, सिर्फ 3 चैप्टर में से ही पहले 3 चैप्टर में से एक एक पद्यांश और गद्यांश मिल जाता है हमेशा। 25 नंबर पर था सहपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर देना था, किसी एक का आपको क्या देना था, उत्तर देना था और एक कितने नंबर का था आपका, 3 नंबर का था। तो देखिए आपको इसमें जो करने थे जिले वाइज दिए होते हैं, ये जो सहारनपुर जिले के बच्चे करते हैं वे क्या करते हैं, वे करते हैं जय सुभाष जी का करते हैं, जय सुभाष जी में क्या करते हैं, इसमें देखो डे नंबर पे दे रखा है और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दे रखा है, 3 नंबर में सिर्फ आपको दोनों पॉइंट नहीं करने थे, एक पॉइंट करना था, ठीक है, जिसने दोनों कर दिए वो भी ठीक है, लेकिन एक पॉइंट करने वाले को भी आपको पूरे कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे जिसने एक पॉइंट किया है। अधिकतर बच्चे जय सुभाष जी का चरित्रण करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जय सुभाष जी का चरित्रण है, काफ़ी सालों से लगातार रिपीट हो रहा है तो अधिकतर बच्चों ने यही किया होगा, 3 नंबर इसके पक्के होंगे। अब जब 26 नंबर पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक उनकी प्रमुख रचना का नाम भी
लिखना है एक जीवन परिचय देते हुए। तो इसमें तीन दे रखे थे, जयशंकर प्रसाद जी, भगवत शरण उपाध्याय जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो आपने तीनों में से एक जरूर कर दिया होगा बड़े आसानी से। और इसमें जो खै नंबर दे रखा था, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना था, तो ये भी वेरी सिंपल कवियों की जीवन परिचय था, तुलसीदास जी, बिहारी जी और मैथिली शरण गुप्त जी, इन तीनों में से भी आपने एक का बड़े आसानी से कर दिया होगा। ये भी आपके पांच नंबर के थे, ये भी आपके पांच नंबर के थे, जीवन परिचय तीन नंबर का और एक रचना लिखनी थी वो दो नंबर की, इसमें भी जीवन परिचय तीन नंबर का और एक रचना लिखनी थी दो नंबर की, टोटल मिला के पांच पांच नंबर के थे दोनों। अब जब 27 नंबर पर आते हैं, 27 नंबर पर तो क्या था, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना था, जो अपनी पाठ्यपुस्तक जो इसमें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो लिखना था। तो आपको ये भी आपने भली बात ही कर दिया होगा, इसके भी आपके कितने नंबर थे, इसके आपके दो नंबर थे, जो आपके वेरी सिंपल आसानी से आपने कर दिए होंगे। 28 नंबर पर था, निम्नलिखित किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो पाँच प्रश्न दिए थे, पाँच में से आपको कितनों के प्रश्न के उत्तर देने थे, दो के देने थे, ये भी बड़े आसानी से दे दिए होंगे आपने, संस्कृत में उत्तर देने थे इसके दो और दो चार, चार नंबर के प्रश्न उत्तर थे। और 29 नंबर पर देखें, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था, निबंध देखिए मैंने इन चपाचों निबंधों में से आपको कल दो निबंध कराए थे, कौन कौन से कराए थे, विज्ञान के महत्व के बारे में कराया था और देश प्रेम का कराया था, और इन दोनों में से आपने बड़े आसानी से कर दिए होंगे। धन्यवाद।